देखिए धातु और अधातु, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण में हम लोग आज देखेंगे धातु और अधातु। इसमें अभी तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या है वो देखिए 118 है, यानी कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या आपसे पूछ दे कितनी है, 118 है। जिसमें से यानी 91 जो है वो आपका धातु है और अधातु की संख्या 20 है और जो बच गया वो 7, वो होता है आपका उपधातु। यानी कि आपसे प्रश्न बनते हैं कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 है, जिसमें से धातु 91, अधातु की संख्या 20 है और उपधातु की संख्या 7 है। अब देखिए तत्वों का वर्ग, यहाँ पे तत्वों का जो वर्गीकरण किया है उसको दो टाइप में किया। पहला तो कर दिया धातु, जिसको हम लोग मेटल बोलते हैं, और तत्व यानी कि इलिमेंट, जिसको हम लोग इलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे तत्व दो प्रकार के, धातु और अधातु, जिसको मेटल और एक हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। अब देखिए नोट में हम यहाँ पे लिखे हैं कि तत्व के एक अन्य श्रेणी होती है। तत्व की क्या होती है? एक अन्य श्रेणी होती है जिसे हम लोग उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अब यहाँ पे पहला जो है वो आपका धातु है, यहाँ पे मेटल। तो मेटल क्या है? तब ऐसे पदार्थ जिसमें तन्यता पाई जाती हो, आघाड़ पर और चमक उत्पत्ति हो, और वो विद्युत का क्या हो, सुचालक हो, एवं उष्मा का भी सुचालक हो, उसे हम लोग कहते हैं धातु। धातु के विशेष गुण होते हैं कि धातु में विशेष प्रकार के चमक पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे जाना जाता है धातु की चमक के द्वारा, इसे धातु की चमक भी कहते हैं। दूसरा है ये उष्मा और विद्युत का क्या है, यानी कि सुचालक होता है। तीसरा आपका है ये इसमें तन्य और अघात वर्धनीय पाया जाता है, यानी जब इसको पीटिएगा तो ये लंबा होगा, समझे, तो इसको बोलते हैं तन्य। अधिकांशतः जो धातु होते हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है कि आयोडीन, आयोडीन यानी आयोडीन जो है यानी कि नमक, ये आपका क्या होता है, आयोडीन नमक, ये आपका अपवाद है। तो याद रखना है कि अपवाद में क्या है, तो आयोडीन है, ये चमक होता है इसमें, लेकिन इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, उष्मा का चालन नहीं होता, इस कारण से इसको धातु हम लोग नहीं कह सकते। अब देखिए धातु का, जैसे में धातु किसको बोलेंगे, तो सोडियम हो गया जिसका संकेत Na होता है, जस्ता हो गया जिसको Zn बोलते हैं, तांबा हो गया जिसको कॉपर यानी Cu बोलते हैं, सोना हो गया Au, और चांदी हो गया यानी कि Fe, लोहा हो गया Fe, एल्युमिनियम हो गया Al। इस प्रकार से यानी कि धातु के निष्कर्षण थे, यानी कि प्रकार था, और धातु अधातु अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।